आप सबको अपने चैनल पर स्वागत है। और देखिए आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10 और 12 का जो रिजल्ट निकलने के बाद काफी बच्चों में लगभग 2 लाख बच्चों यानी एक अप्रोक्स में बच्चों में आरटी या कंपार्टमेंट लिखा हुआ है, ईआर लिखा हुआ है। इन सब बच्चों का एग्जामिनेशन कब होगा, बहुत तरह के सवाल है। किसी किसी बच्चों में 2 सब्जेक्ट में आरटी है, किसी में 3 सब्जेक्ट में आरटी है। ये कुछ सवाल लिखे हुए हैं बोर्ड पे जो बच्चों के मन में है और काफी मैसेज जो है मुझे कमेंट्स के रूप में मिल रहा, तो उन सभी का रिप्लाई पूरी तरह से नहीं समझा पा रहे थे स्टूडेंट, इसलिए छोटी सी वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। स्टूडेंट्स वीडियो के साथ बने रहिए। आपका सवाल है कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कब होगा, इसके फॉर्म कब आएंगे, सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा और कितने मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में आरटी लिखा है तो क्या होगा, प्रैक्टिकल मार्क्स शो नहीं कर रहा है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 3rd कंपार्टमेंट एग्जाम देने के बाद भी कंपार्टमेंट लिखा हुआ आ रहा है, उन बच्चों का क्या होगा, ये सारी सवालों का जवाब इस छोटी सी वीडियो में पूरा डिटेल देंगे। सो स्टूडेंट बगैर स्किप किए हुए अगर आप वीडियो देखेंगे तो यकीन मानिए आपको सारी अपडेट मिल जाएगा इसी वीडियो के अंदर में। सो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह है कि बच्चे ये भी परेशान है कि हमारा एडमिशन किस मार्कशीट पे होगा, क्या डिजी लॉकर्स के ऐसा जो मार्कशीट मिल रहा है वहां से हमें एडमिशन मिल जाएगा, या फिर जो डाउनलोड किया है हमने साइबर से क्या उससे हमारा एडमिशन हो जाएगा। तो इसका भी हम सवाल का जवाब आपको दे दें कि अभी आपका एडमिशन डिजी लॉकर के मार्कशीट पे या फिर ऑनलाइन जो आप डाउनलोड किया है उसके हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि अभी आपको मार्कशीट जो स्कूल में आने में कम से जो है ओरिजिनल मार्क्स 1 से 1.5 माह का वक्त मिलेगा। वैसे बच्चे जो प्राइवेट है इम्प्रूवमेंट दिया था या कंपार्टमेंट एग्जाम दिया था उनका जो रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ जिस भी सब्जेक्ट का पेपर का एग्जाम दिया था वही मार्कशीट आपको दिखाई दे रहा होगा, उसी का मार्क्स दिखाई दे रहा होगा। 20-25 दिन के अंदर अंदर डिजी लॉकर में ये पूरा जो सब्जेक्ट है आपका वो सभी सब्जेक्ट के मार्क्स आपको शो कर दिया जाएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वो बच्चे जो प्राइवेट कैंडिडेट है या इम्प्रूवमेंट दिया है कंपार्टमेंट एग्जाम दिया है उनका जो मार्कशीट जो पहुंचता है बाय पोस्ट पहुंचेगा उनके घर पे जो उन्होंने एड्रेस फॉर्म फिलअप करने वक्त दिया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे हम लोगों का पहले आरटी को समझते हैं यानी रिपीट 3 और कंपार्टमेंटल लिखा हुआ है उसके आप तो समझ गए कि आपको एग्जाम जिसको देना होगा, ईआर लिखा हुआ है जिसको फुल फॉर्म अगर कहे तो एसेंशियल रिपीट होता है, और इसकी बात करें तो वो बच्चे हैं जो सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं यानी जो फेल है। प्राइवेट एग्जाम या प्राइवेट स्टूडेंट का कौन होंगे, इसका फॉर्म क्या आएगा, ये सारे डिटेल आपको मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट या एसेंशियल रिपीट, चलिए बोर्ड पर ही समझते हैं बढ़िया से। जो बच्चे हमारे एसेंशियल रिपीट है या प्राइवेट है इसको बात एक ही है, ठीक है। एसेंशियल रिपीट का मतलब है उन्हें सारे सब्जेक्ट का एग्जाम नेक्स्ट ईयर में जो 5 फरवरी 2023 में होंगे वो एग्जाम देंगे। इसके फॉर्म कब आएंगे ये सवाल है, तो बच्चे ये फॉर्म जनरली अक्टूबर नवंबर में ये फॉर्म फिलअप किया जाता है। तो वो बच्चे जिनके रिजल्ट में ईआर लिखा है वो प्राइवेट कैंडिडेट काउंट हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। दूसरी बात है कि अगर हम लोगों को जिन बच्चों के रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा हुआ है उसकी हम पहले बात कर ले, तो स्टूडेंट सबसे पहली बात जिनके रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा हुआ है उनका एग्जाम जो है 23 अगस्त 2022 को होगा, और इनका जो फॉर्म जो आएगा वो फॉर्म की बात अगर हम करें तो उनका फॉर्म जो है नेक्स्ट वीक आपको आ जाएगा यानी नेक्स्ट वीक मतलब अगले सप्ताह तक आ जाएगा। उनका सवाल है कंपार्टमेंटल का कि उनका एग्जाम जैसे कि सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस के बारे में इनका भी मैं बात कर लूँ तो सिलेबस है बाबू वो टर्म 2 का जो सिलेबस है वही होगा। पैटर्न आपका जिस प्रकार से आपका टर्म 2 का था उसी प्रकार से टर्म 2 का जैसा ही आपका पैटर्न पूछा जाएगा।
मार्क्स के बारे में स्टूडेंट बहुत जल्द ही सीबीएसई अपडेट करेगी। लेकिन अगर 10 में जैसे जिस मार्क्स में 40 था, जिसमें 80 था उस होगा या 80 का होगा, कितने मार्क्स का होगा वो अभी क्लियर नहीं है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आपको वही टर्म टू के मार्क्स जो 40 या 35 के थे, यानी जिसका 70 आ रहे थे, 70 का 35 टर्म टू में था, 80 का 40 था, तो हो सकता है इसी मार्क्स पे आपका एग्जाम होगा। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि ये 1 मंथ का टाइम है, क्या कंपार्टमेंट एग्जाम पास आउट हो जाएंगे? तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से हो जाइएगा इसके। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, एग्जाम सेक्शन में जाइए, वहाँ कंपार्टमेंटल का भी क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लें। बाकी एक नए चैनल पे आपको पूरी तरह से कंपार्टमेंटल, और नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे जो है 15 फरवरी 2023 में एग्जाम देंगे, उनकी पढ़ाई स्टार्ट होने जा रहा है, उसका लिंक मैं बाद में बताऊंगा, ये आप समझ लें। दूसरी अब हमारा सवाल है उन बच्चों का कि बच्चे खास करके एक नया जो पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये 4x नजर आ रहा है, इसका क्या मीनिंग है? तो 4x का मतलब है कि आपको इम्प्रूवमेंट देने की परमिशन दिया गया है, यानी आपको सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देना होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम समझते हैं आरटी के बारे में कि अगर 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में आरटी है तब उन्हें क्या करना होगा। आरटी के बारे में बात में कर लूं कि जिसके 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में अगर आपका आरटी लिखा है, इसका मतलब है कि आपको एग्जाम देना होगा। ठीक है, क्लियर बात, आपको एग्जामिनेशन देना ही होगा। ठीक है, दूसरी बात यहां समझ लो बढ़िया से कि 6 सब्जेक्ट में से, ध्यान से समझिएगा कि अगर 6 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में आरटी है तो आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंटल लिखा होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके 6 सब्जेक्ट है और आपके 6 सब्जेक्ट में आपके 2 सब्जेक्ट में आरटी लिखा है तो फाइनल रिजल्ट में आपको कंपार्टमेंट लिखा होगा, है ना। वैसे आप रिजल्ट में ऑलरेडी देख रहे होंगे, तो उन बच्चों को मैं समझा दूं, जरा इसे ध्यान से समझिएगा। अगर 6 में से अगर आप 5 में पास हैं, ध्यान से समझिएगा, ये तो क्लियर कर दूं मैं। अब यहां समझिएगा, 6 सब्जेक्ट आपके थे और 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट में आप पास हैं, अब रह जाता है 1 सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट लिखा हो या फिर आप इसमें आरटी लिखा हो तो आप अगर चाहो तो इसका आप एग्जाम देकर अपने मार्क्स को अपडेट कर सकते हो। अगर नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, आप आगे पढ़ाई कर सकते हो। दूसरी बात यहां बता दूं कि अगर आपको 6 सब्जेक्ट है, ठीक है, और 6 सब्जेक्ट आपके हैं और 2 सब्जेक्ट में आपके आरटी लिखा हुआ है, 2 सब्जेक्ट में आरटी लिखा हुआ है, तो 1 सब्जेक्ट का आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे दो, यहां से आपको देना होगा, जहां से आप 6 में से मतलब 4 सब्जेक्ट पास हो, 2 सब्जेक्ट में आरटी था, तो 1 सब्जेक्ट आप सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंटल देकर आप इसको क्लियर करा लो, और रह जाता है फिर आपका 1 सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट को आप इंप्रूवमेंट देकर भी पास आउट हो जाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया हो। फिर भी स्टूडेंट्स अब यहां पर हम और आगे से बात करेंगे कि अगर 2 से ज्यादा, यहां भी हमने 2 सब्जेक्ट का बात बताया, अगर ऐसा हो कि 2 सब्जेक्ट से ज्यादा अगर आरटी लिखा है तो आपको एग्जामिनेशन देना होगा प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में, जिसको एसेंशियल रिपीट है, और आप हो जाते हैं प्राइवेट स्टूडेंट, और आपका एग्जाम जो है वो 15 फरवरी को होगा, ये ध्यान रखिएगा, 15 फरवरी 2023 को होगा। आपका सिलेबस जो होगा वो लगभग पूरी सिलेबस ही होता है, क्योंकि आपके पास पूरा 7 मंथ का, अभी भी 7 से 8 मंथ का आपके पास सब्जेक्ट टाइम है। ठीक है, तो यहां पर इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया। अब यहां पर आता है प्रैक्टिकल मार्क्स शो नहीं कर रहा है। प्रैक्टिकल मार्क्स शो नहीं कर रहा है, इसके पीछे है कि प्रो डाटा तैयार करके रिजल्ट को बनाया गया है,
जी हाँ, लेकिन इसके बारे में कोई अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं हुआ है। अगर ये प्रोड डेटा के हिसाब से तो प्रैक्टिकल मार्क्स आपको उसी में इंक्लूडेशन होगा, नहीं तो सीबीएसई जल्द से जल्द इस पर कोई नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ थर्ड कंपार्टमेंटल के बाद भी आपके सब्जेक्ट में कंपार्ट आ गया है तो उन बच्चों को क्या होगा, जनरली ऐसा होता नहीं है, थर्ड के बाद कंपार्टमेंट लिखा हुआ नहीं आता है, वो बच्चे फेल के कैटेगरी में आते हैं और उन्हें प्राइवेट या इंसेंशियल रिपीट पूरी तरह से देना पड़ता है। लेकिन मैं आपको भ्रमित कभी नहीं करता हूं, यहां देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको वेट करना होगा सीबीएसई की ऑफिशियल नोटिफिकेशन का और बहुत जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसके लिए आप चिंता ना करो। और बहुत से बच्चे कह रहे हैं कंपार्टमेंट का बहुत कम समय बचा है, इतने कम समय में कैसे पास हो जाएंगे, तो स्टूडेंट पास होना बहुत आसान हो जाएगा, मगर आपके इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आप डरे नहीं, मेहनत करें और जल्द से जल्द आप अपने इस मंजिल को पा सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये छोटी सी वीडियो में तो नहीं कर सकते, 10 मिनट का 11 मिनट का वीडियो हो ही गया है, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पर मैंने कई छोटे छोटे पार्ट में 2-3 वीडियो दिया है, इस तरह से मैंने चाहा कि एक पूरी वीडियो आपको दे सकूं। सो स्टूडेंट्स, अगर अभी भी कोई सवाल आपके मन में हो तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स का जवाब भी मैं अक्सर दे दिया करता हूँ, अगर नहीं वक्त मिलता है तो उन कमेंट्स को मेरे टीम्स देखती है तो फिर मैं उस पर एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ। सो गाइज, वीडियो को लाइक एंड शेयर करोगे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सीबीएसई से संबंधित छोटी से बड़ी न्यूज़ अपडेट आपको कर दी जाती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।